फ्रेंड टुडे वी आर एक्सप्लेनिंग चैप्टर नंबर 1 दैट इज अ नंबर्स एंड इक्वेशंस। आज हम नंबर्स एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आपकी बुक ओपन करें, नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 5, राइट द न्यूमरल्स। आपको इसको न्यूमरल्स में राइट करना है। इसको न्यूमरल्स में कैसे राइट करेंगे? ये जो नंबर्स है ये आपको वर्ड्स में गिवन है, तो इसको आपको न्यूमरल्स में राइट करना है, दैट मींस आपको इसको नंबर्स में राइट करना है। तो हम नंबर्स में कैसे राइट करेंगे इसको? 15, तो आप 15 को आप क्या लिखेंगे? 1, 5, 15 एंड 85, तो 85 को आप क्या राइट करेंगे? 85, 90, 1, 9, 90, 36, 36 एंड 69, तो इसको राइट करेंगे 6 एंड 9 एंड 84, 8 एंड 4। तो हमने इसको काय में राइट करा है? न्यूमरल्स में। न्यूमरल्स मीन्स होता है नंबर्स में हमने इसको राइट करा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ। उसके बाद आता है इसमें, पेज टर्न कीजिए पेज नंबर 6 पर, राइट द नंबर्स नेम। आपको इसका नंबर्स नेम राइट करना है। राइट द नंबर्स नेम। तो नंबर्स नेम किसे राइट करेंगे? जैसे 27 है, 75, 45, 56, 84। इसका नंबर नेम हम कैसे राइट करेंगे? 27 है, तो हम 27 को लिखेंगे वर्ड में, 20 की स्पेलिंग लिखेंगे पहले 20 एंड 7, तो ये हो जाएगा आपका 27। तो ये हमने उसको नंबर नेम, ये जो हमने लिखा है राइट किया है, इसी को हम बोलते हैं नंबर नेम। फिर आएगा 75, सेवेंटी फाइव, 85, 75, 45, 40, देन आफ्टर वी राइट 5, 45, 56, 86, 84, तो 80 राइट करेंगे पहले, 80, देन आफ्टर वी राइट 84। ओके, तो ये हमने नंबर्स नेम में इसको राइट करा। तो इसके जो दोनों के रिमेनिंग पार्ट हैं, ये इसके भी रिमेनिंग पार्ट आपको करना है, और इसका भी जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है वो आपको होमवर्क करना है। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ राइट द नंबर्स दैट कम्स। जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर एंड बिटवीन, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर एंड बिटवीन। अब ये क्या होते हैं? जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर, जस्ट बिफ्टी, पहले मैं राइट कर लेती हूँ। जैसे 27 का आपको राइट करना है जस्ट बिफोर, 52, 44, 76, 83, 69। जस्ट बिफोर कैसे राइट समझेंगे आप? जैसे मैंने यहाँ राइट कर दिया 20, 21, 22, 23,
23, 24 and 25। तो ये पूरे नंबर्स लेने आप सॉरी ये काउंटिंग है जो आप सभी बच्चों को आती है काउंटिंग कि 20, 20 इसके बाद 30, 31, 32, 40, 41 इस टाइप से काउंटिंग होती है। तो अगर मैं 22 की बात करती हूँ तो 22 के जो पहले नंबर आता है उसको हम बोलते हैं जस्ट बिफोर नंबर्स। मतलब जो सबसे पहले 22 है अगर 22 की बात करेंगे तो 22 के पहले वाला नंबर जस्ट बिफोर नंबर्स होता है और इसके जो बाद वाला नंबर होता है जस्ट आफ्टर नंबर। इसके बाद वाला नंबर कौन सा होता है जस्ट आफ्टर। तो 22 है 22 के पहले 21 आया है तो 21 कौन सा नंबर होगा जस्ट बिफोर नंबर और 22 के बाद क्या है 23 तो ये उसका होगा जस्ट आफ्टर नंबर। ओके तो आपको ये समझ में आ गया कि जो नंबर्स होता है उसके पहले का जो नंबर होता है बिफोर नंबर होता है और बाद वाला जो नंबर होता है वो कौन सा होता है आफ्टर नंबर। और बिटवीन नंबर की बात करते हैं तो 21 एंड 23 इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है 22 आ रहा है। 22 को हम कौन सा नंबर बोलेंगे बिटवीन नंबर। बीच में जो मिडिल में नंबर होता है उसको हम बोलते हैं बिटवीन नंबर। इज दैट क्लियर। तो अब हम इसको मैं समझित हूँ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए 27 तो 27 के जस्ट बिफोर मतलब पहले क्या आता है 26, 52 के पहले क्या आता है 51, 44 के पहले क्या आता है 43, 76 के पहले क्या आता है 75, 83 के पहले क्या आता है 82 एंड 69 के पहले क्या आता है 68। ओके अब जस्ट आफ्टर नंबर तो जस्ट आफ्टर मतलब उसके बाद वाला नंबर। तो 23 के बाद क्या आता है 24, 53 के जस्ट आफ्टर नंबर कौन सा है 54, 24 के जस्ट आफ्टर नंबर क्या है 25, 68 के जस्ट आफ्टर नंबर क्या है आपका 69, 36 के जस्ट आफ्टर नंबर होता है 37 एंड 57 के जस्ट आफ्टर नंबर होता है 58। उसके बाद आता है बिटवीन नंबर्स। बिटवीन नंबर्स मैंने आपको बताया था कि बिटवीन नंबर्स में क्या करते हैं आप देखिए 32 और 34 इनके बिटवीन नंबर्स ऐड करना है तो 32 के बाद क्या आता है 33 तो 32, 33, 34 तो ये बीच में आ गया बिटवीन नंबर्स हो गया। इसको बोलते हैं बिटवीन नंबर्स। 21 इसका क्या आएगा 21, 22, 23, 52 के बाद क्या आएगा 53 एंड 54 76, 77, 78 82 उसके बाद आएगा फूड द करेक्ट साइज। और ये साइन होता है आपका इक्वल टू का।
इन ईच प्लेस होल्डर। अब इसको कैसे पुटअप करेंगे, पहला साइन समझ लें, जैसे ग्रेट लेस देन का साइन है, तो यहाँ पर स्मॉलर नंबर आएगा। स्मॉलर नंबर मतलब जैसे मैंने लिखा 20, 21, 22, 23, तो 22 की बात करते हैं, तो 22 और 21 में क्या होगा कि ये जो 22 के पहले जितने भी नंबर्स आएंगे ये सब कैसे नंबर होंगे, स्मॉलर नंबर्स। मतलब काउंटिंग करने पर पहले जो नंबर आते हैं वो स्मॉलर नंबर होते हैं, और 22 के बाद जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब नंबर्स कौन से होते हैं, आपके ग्रेटर नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्मॉलर नंबर राइट करना है और यहाँ पर आपको ग्रेटर नंबर राइट करना है। और अगर ये वाला साइन यूज करते हैं तो इसमें देखिए आप ये स्पेस ज्यादा है, तो यहाँ पर बड़ी स्पेस है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर राइट करेंगे, ग्रेटर, और यहाँ पर स्मॉलर। और ये साइन इक्वल होगा, मतलब दोनों नंबर अगर सेम हो, एक अगर एक है तो दूसरा भी एक है, तो वो आपको क्या मिला था, इक्वल टू का सिंबल। साइन पुट अप करेंगे आप 58 एंड 58, ये दोनों आपको कैसे दिखेगा, इक्वल है, तो यहाँ पर गाय का साइन आएगा इक्वल टू का, ये जो सिंबल है ये इक्वल टू का सिंबल होता है। फिर आता है 62, ये 62 स्मॉलर है, 62 के बाद 72 आता है, तो स्मॉलर नंबर का साइन ये होता है। फिर 80, ये 18 कैसा नंबर है, ग्रेटर नंबर है 5 से, तो ये ग्रेटर देन का सिंबल हो जाएगा। फिर 40, ये स्मॉलर देन 40 से छोटा है, 90 इक्वल टू 9, क्योंकि दोनों इक्वल है। ये 90 ग्रेटर है 69 से, तो ये ग्रेटर देन का साइन है। तो ये थे सिंबल्स आपके लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल। ओके, आई थिंक कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।